क्रिकेट कमेंट्री से अंग्रेजी के वर्चस्व को हटाकर हिंदी को लोकप्रिय बनाने के मामले में जसदेव सिंह, मुरली मनोहर मंजुल के अलावा सुशील दोषी जैसे बड़े नाम सामने आते हैं। 76 साल के सुशील दोषी तो आज भी हिंदी कमेंट्री की शान है। उन्होंने आज तक .in से हुई खास बातचीत में BCCI को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिन कमेंटेटर्स ने क्रिकेट को शुरू में स्थापित करने में भूमिका निभाई, उनके लिए तो BCCI कुछ सोच ही नहीं रहा। ये ठीक है कि कमेंटेटर्स BCCI के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन हम क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में तो जुड़े रहे। ऐसे कमेंटेटर्स के लिए ये धनाढ्य क्रिकेट संस्था क्या कर रही। हाल ही में हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के बुनियादी स्तंभ माने जाने वाले मुरली मनोहर मंजुल का देहांत हो गया। उन्हें याद करते हुए दोषी ने कहा कि मंजुल साहब अभावों में चले गए, पिछले 15 सालों में वो भुला दिए गए। जीते जी सम्मान होना चाहिए।